जान लोगों को कैसे अपनी टीम में शामिल करें। फ्रेंड्स, आज खूबसूरत डायरेक्शन बिजनेस में अगर लीडर फेल हो रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अनजान लोगों को अपनी टीम में लोग जोड़ नहीं पाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे अनजान लोगों को अपनी टीम में आप जोड़ सकते हैं। लेकिन उसके पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आज इस खूबसूरत डायरेक्शन बिजनेस में लोग एक बड़ा सपना लेकर आते हैं, एक बड़े जोश के साथ, एक बड़े उम्मीद के साथ लोग बिजनेस में आते तो हैं फ्रेंड्स, लेकिन होता क्या है, जो लोगों के पहचान के कुछ लोग होते हैं, लोगों से जाकर मिलते हैं जोश में, लेकिन कुछ लोगों से जोश में मिलने के बाद होता क्या है, लोगों की लिस्ट खत्म हो जाती है फ्रेंड्स, या लोगों को उस समय आइडिया नहीं होता है कि कैसे लोगों को प्लान बताया जाए, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए, लोगों से जानकारी नहीं होता है, तो जो मुट्ठी भर लोग होते हैं जान पहचान वाले वो खत्म हो जाते हैं, वहीं से लीडर बिजनेस को गिव अप कर देते हैं, बिजनेस को कर नहीं पाते, क्योंकि लीडर लोग नए लोगों से कैसे मिला जाए, अनजान लोगों से कैसे मिला जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज मैं देख रहा हूँ, कई सालों से मैं सर्च कर रहा हूँ, इस खूबसूरत बिजनेस में आते तो बहुत अच्छे अच्छे लोग एक बड़े जोश के साथ, लेकिन कुछ समय बाद बिजनेस को गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा डर लगा रहता है और इस डर से बाहर नहीं निकल पाते कि अनजान लोगों से कैसे मिला जाए। फ्रेंड्स, आज ये बहुत बड़ी समस्या है। आज लीडरों का फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अनजान लोगों से कैसे मिले। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा कि अनजान लोगों से कैसे मिला जाए और उनको कैसे अपनी बातों को उनके सामने रख कर अपनी बातों को मनवाया जाए, या उनको अपनी टीम में जोड़ा जाए, या उनको अपना प्रोडक्ट दिया जाए। फ्रेंड्स देखिए, हम जब कहीं जाते हैं और फ्रेंड्स सोचिएगा, ये खूबसूरत डायरेक्शनल बिजनेस है क्या फ्रेंड्स? कोई फैक्ट्री है, किसी फैक्ट्री में अगर प्रोडक्शन होता है वहाँ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है फ्रेंड्स। जैसे सब कुछ करिए, अगर शुगर की फैक्ट्री है तो वहाँ ईंट चाहिए, अगर जूता चप्पल की फैक्ट्री है तो वहाँ चमड़ा या रबड़ कच्चा रॉ मटेरियल चाहिए फ्रेंड्स। उसी तरीके से खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ का रॉ मटेरियल लोग हैं फ्रेंड्स। अब भारत जानते हैं 145 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, तो खूबसूरत बिजनेस का रॉ मटेरियल लोग हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम अनजान लोगों से मिलने से डरते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं इस समस्या का निदान बताऊंगा, कैसे आप अनजान लोगों को अपनी टीम में जोड़कर इस बिजनेस से सारे सपनों को आप फुलफिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शुरुआत होती है अनजान लोग से कैसे मिले। फ्रेंड्स देखिए, हम कहीं भी जाए, किसी अनजान लोगों से हम मिलने जाए, सपोज करिए तो वहाँ जाने से पहले सबसे पहले करना क्या, हमें फ्रेंड्स जाते हैं हमें प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना कि मेरा प्रोडक्ट मैजिक है, नो फ्रेंड्स, बिजनेस प्लान के बारे में बताना है कि इस खूबसूरत बिजनेस से लाखों करोड़ रुपये कमाया जा सकता है। फ्रेंड्स, यही गलती से लीडर लोग जानते हैं, लीडर लोगों के साथ लोग इस बिजनेस में जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि इसके पहले डायरेक्शन बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फ्रेंड्स चढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है यहाँ टोपी बनाने का काम है, यहाँ फंसाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम कहीं भी जाएं तो हमें जाते ही प्रोडक्ट प्लान नहीं बताना फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा मोटो होना चाहिए कि उस व्यक्ति के पास जाने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति से बातें करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे रिलेशन बिल्ड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे रैंप बिल्डिंग करना है। जैसे हम किसी आदमी के पास, किसी अनजान आदमी के पास जाते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें करना क्या है, उस अनजान आदमी के पास जाने के बाद हमें नमस्कार करना फ्रेंड्स, उस व्यक्ति को हमें नमस्कार बोलना है। नमस्कार बोलने के बाद फ्रेंड्स उससे हमें करना है कि फ्रेंड्स गलती क्या करते लीडर, बात समझिएगा, लीडर जाकर प्लान प्रोडक्ट बताने लगते हैं फ्रेंड्स, नहीं, या कुछ लीडर ऐसी भी गलती करते हैं, सर जी आप कैसे हैं, ये होता है कि अनजान व्यक्ति क्यों बताएगा आप कैसे हैं, उसको पता लगेगा फ्रेंड्स, नहीं बताएगा, वो छिपेगा कि यार कौन इंसान है, क्यों हमारे बारे में पूछ रहा है। तो दोस्त, थोड़ी सी टेक्निक, थोड़ी सी जानकारी लेकर इस खूबसूरत बिजनेस में
अनजान लोगों को आप जोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स हमें जाने से किसी व्यक्ति के पास जाएँ नमस्कार बंदगी करने के बाद, फ्रेंड्स उसके बाद हमें करना क्या है, सपोज करिए उस व्यक्ति के आस पास गाँव के रहने वाले आप हैं, तो सबसे पहले आपको अपने घर के बारे में बताना है। अगर वो जानता हो तो, समझ के लिए आपको घर को नहीं जानता है तो आपको बताना कि मैं फला गांव से आ रहा हूँ सर जी, ये आपके नजदीक वाली बात होगी। समझ करिए कि वो आदमी दूसरे जिले का है, वो आपके गांव को नहीं जानता है, तो आपको बोलना है कि मैं फला जिले से आ रहा हूँ। फ्रेंड्स अगर आदमी और दूर का है, किसी राज्य का है, तो आपको क्या करना है, सर जी मैं फला राज से आ रहा हूँ। फ्रेंड्स नमस्कार बंदगी करने के बाद, थोड़ा सा अपना परिचय देने के बाद, तब उस व्यक्ति से बोलना है सर जी मैं आपसे 10 मिनट बात करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स उनसे इजाजत लेने के बाद, बैठने के बाद फ्रेंड्स आदमी बोलता है ठीक है बताइए, खड़े में बात मत करिए। फ्रेंड्स खड़े में बात, जानते हैं लोग जब चलने लगते हैं तब खड़े में बात होती है, खड़े में बात मत करिएगा। फ्रेंड अगर व्यक्ति आपको बैठाता है तो ओके, नहीं बैठाता है तो बोलिएगा उस व्यक्ति से सर जी 10 मिनट बैठ के बात करिए। फ्रेंड अब बैठने के बाद उसके बाद जानते हैं करना क्या, आपको सबसे पहले आपको उस व्यक्ति से फ्रेंड्स कुछ ऐसी बातें बोलना है जिससे हमारा रिलेशन बिल्ड हो या उसको अच्छा लगे, जिससे वहाँ बैठने के बाद उनको कुछ कॉमन फैक्टर खोजना उस व्यक्ति के बारे में। जैसे सपोज करिए आप उस व्यक्ति के दरवाजे पर बैठे हैं, वह कोई पेड़ है कोई पौधा है, आपको उसी की बात करना है कि अच्छा आपका जो पौधा है सर जी जस्ट हमारे यहाँ भी इतने बड़ा एक काम का पौधा है, खूब फल आता है उसमें। फ्रेंड बात करना है कि वो बात करने, जैसे अनजान व्यक्ति लोग बात करने में डरते हैं, तो पहले आपको बात करने के लिए उसमें को तैयार करना है। फ्रेंड उस आदमी को तैयार करने के बाद थोड़ा आदमी खुले, उस आदमी को खोलना है, या उसके आप घर में बैठ गए तो फ्रेंड्स किसी भगवान की, गणेश भगवान की सब कुछ के लिए फोटो लगा है, तब को नवा कितना सुंदर गणेश जी का फोटो है, सर जी कहाँ से लाए हैं, या शंकर जी का फोटो है, सर जी मैं भी जानते हैं शंकर जी का फोटो में गया था भला शहर में, ठीक इतना खूबसूरत फोटो लगा सर, तो मैंने उसको परचेज करके अपने घर मैं शंकर जी की भी पूजा करता हूँ। फ्रेंड्स उससे रिलेट करना है, कॉमन कुछ न कुछ कॉमन फैक्टर ढूंढना। फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये ढूंढने के बाद उसके बाद जानते हैं उसकी बढ़वारगी करना है, उसकी अच्छाई बताना है। अच्छा सर जी आप करते क्या है, अभी अगर बोलता है कि सर मैं नौकरी करता हूँ, अरे वाह सर जी आप जैसे लोगों से मैं मिलता हूँ ना बहुत खुशी मिलती है, सर जानते हैं आप लोग कितना मेहनत करते हैं, सर आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं इसका कितना लोगों को लाभ हो रहा है, हमेशा उसको खुश करना है। बिजनेस करता है आदमी, बिजनेस करना, सर जी वाह सर आप जैसे लोगों को मिलते हैं बहुत खुशी मिलती है, आप लोग टीमर लोग हैं, आप लोग अपना स्वयं का बिजनेस करते हैं, आप किसी पर निर्भर नहीं है, उसकी अच्छाई 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 रैपो बिल्ड करना। फ्रेंड उसे खुश करना है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना को खुले आदमी ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका सम्मान करिए। अब फ्रेंड्स इस धरती पर हर आदमी जानते हैं सम्मान का भूखा होता है। फ्रेंड्स एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक कुत्ता भी होता है फ्रेंड्स ने, देखिए आप अगर कुत्ते आपके बगल में जैसे लोग चिल्लाते हैं तो कुत्ता अगर दौड़ा हुआ आता है, अगर हम उसे प्यार करते हैं तो कुत्ता भी प्यार करता है। एक जानवर भी प्यार का भूखा होता है, तो क्या एक इंसान प्यार का भूखा नहीं हो सकता, अगर इंसान से प्यार की बातें करेंगे वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। फ्रेंड्स हमें उसे सम्मान देना है, उसे प्यार से बातें करना है, उसके हित की बातें करना है। फ्रेंड्स प्रोडक्ट का नाम कंपनी का नाम नहीं लेना है, उस आदमी से पूछना है क्या करते हैं, जब आदमी बताता है सब कुछ करिए, आदमी बताता है सर जी मैं नौकरी करता हूँ, वाह सर जी बहुत ज़बरदस्त सर, अच्छा सर कितने बजे जाते हैं कैसे आते हैं, सब बात करने के बाद अच्छा सर जी जानते हैं आप जैसे लोगों से मिलते हैं मैं मिलता हूँ तो मैं बहुत खुश जाता हूँ, अच्छा सर जी जो आप नौकरी कर रहे हैं सर हमारे पास एक शरिया है एक सिस्टम है जहाँ से आप कुछ घंटे यहाँ दे के यहाँ से 20-30 हज़ार और अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स कोई भी आदमी अगर कोई काम कर रहा हो वो बिना काम छोड़े अगर 10-20 हज़ार आए तो हर आदमी पूछेगा कैसे आएगा। समझ के जो आदमी लाखों रुपए कमा रहा है तो उसको बताना है सर जी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं वो काम करते हुए हमारे यहाँ से लाखों रुपए और कैसे कमा सकते हैं, उसके बारे में हमारे पास कुछ तरीका है कुछ सिस्टम है।
फ्रेंड्स, किसी का नौकरी नहीं छोड़वाना है, किसी को कोरा आश्वासन नहीं देना है, उस व्यक्ति को बस यही बिलीव दिलाना है कि सर जी वो काम करते हुए वहाँ जो आप कमा रहे हैं उससे थोड़ा सा और समय दे के आप अपनी लाइफ में और खुशियाँ और पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। ये जो महंगाई की समस्याओं से आज लोग ग्रस्त हैं, यहाँ से थोड़ा काम करके और पैसा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जानते हैं आज हर व्यक्ति और पैसे की जरूरत है, हर व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन सलूशन सही नहीं मिलता है। हम गलती क्या करते हैं, जाते हैं कंपनी प्लान प्रोडक्ट बताने लगते हैं, इसीलिए लीडर फ्रेंड्स बैठ जाते हैं। हमें सबसे पहले उस व्यक्ति की नीड पूछना है। जितना बात करेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति किस नेचर का है, इस व्यक्ति को क्या पसंद है। उस व्यक्ति को जो पसंद हो उसी आधार पर, अगर आदमी बोलता है समझ कर ये पैसे वाला है, सर जी मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करना, तो फ्रेंड्स अब उस आदमी को भला करना पसंद है तो आपको अपने प्लान बताते समय यही बात करना है कि सर जी यहाँ जाते काम करने के बाद एक लेबल होता है, वो लेबल पर आप आ जाएंगे तो जानते हैं आपको यहाँ पैसा आएगा, उस पैसे से आप लोगों का भला कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकते हो। पैसे के लिए नहीं आएगा क्योंकि पैसे वाला है, यहाँ बोलना है कि सर जी यहाँ जो पैसा आएगा इससे लोगों को भला कर सकते हैं। आदमी की हमें मेन पॉइंट पकड़ना है, आदमी की नीड क्या है, आदमी की ज़रूरत क्या है। कुछ लोग सम्मान के भूखे हैं, कुछ लोग पैसे के भूखे हैं, कुछ लोग घूमने के लिए उनको ज़्यादा पसंद है, कुछ लोग समाज सेवा करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स हमें रटा प्लान नहीं देना है, हमें नीड बेस्ड प्लान देना है कि आदमी की ज़रूरत क्या है, आदमी चाहता क्या है। ये बात कैसे होगा, जितना ज़्यादा ज़्यादा उससे बात करेंगे, जितना ज़्यादा ज़्यादा उससे रिलेशन बिल्ड करेंगे, जितना ज़्यादा ज़्यादा उसकी अच्छाई बताएंगे। फ्रेंड्स जितना ज़्यादा बात करेंगे तब बात बात में आपको समझ में आ जाएगा इस व्यक्ति की नीड क्या है, इस व्यक्ति की ज़रूरत क्या है। जब आदमी को समझ में आए व्यक्ति की यही नीड है, यही ज़रूरत है, तब प्लान देते समय बार बार उसे फोकस करना है। सर जी ये आ सकते हैं, आपको पूरी हो सकती है, सर जी ये नीड यहाँ से पूरा हो सकता है, बार बार उसी पर फोकस करेंगे तो फ्रेंड्स वो आदमी अवश्य आपके साथ जुड़ेगा। बस फ्रेंड थोड़ी सी टेक्निक बदल के इस खूबसूरत बिजनेस में हम अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि जो हमारे भाई कहीं जाते समय तुरंत प्लान प्रोडक्ट बताने लगते हैं, फ्रेंड्स एक गलत तरीका है, हमें ऐसा नहीं करना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति से बात करना है, उस व्यक्ति की अच्छाई बताना है, उस व्यक्ति से रिलेशन बिल्ड करना है, उस व्यक्ति से रेपो बिल्डिंग करना है। उस व्यक्ति से जितना ज़्यादा बात करेंगे तभी समझ में आएगा उस व्यक्ति की नीड क्या है, उसके बाद हमें प्लान देना है। थैंक यू फ्रेंड्स।